हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने पिछली वीडियो पर इतना प्यार और इतना सपोर्ट किया, तो फ्रेंड्स उसके लिए थैंक यू। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दें। आज आप लोगों के लिए डिफरेंट रेसिपी लेकर आए हैं। शायद कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, वो है एग स्टू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग स्टू बनाने के लिए चाहिए ये चीज़ें: एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, एक चम्मच ज़ीरा, दो लौंग, 8-10 काली मिर्च, दो तेज़पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा 2 इंच का, एक टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 1/2 किलो प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, हरी धनिया को काट लिया है, 4 से 5 हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, 4 अंडे ले लिए हैं। हमने एक प्याले में तेल अच्छे से लगा दिया है। अब इसमें एक अंडा तोड़कर डाल देंगे। इसी तरह चारों प्याले में अंडा डाल देंगे। बॉयल पानी में अंडे की कटोरी डाल देंगे। हमने 2 कटोरियां डाली हैं। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो 4 कटोरियां डाल सकते हैं। अंडे को सेट होने तक उबलते पानी में रहने दें। जब अंडा अच्छी तरह से सेट हो जाए, दोनों कटोरियों को निकाल दें। बहुत हल्का सा नमक इसमें डाल दें। अंडा सेट हो गया, कटोरी बाहर निकाल लें। इसी तरह से और भी अंडे आप उबाल सकते हैं, जितने भी आपको उबालने होंगे। पैन हमने ले लिया है और उसको हाई फ्लेम पर रख दिया। पैन हमारा गर्म हो चुका है, फ्लेम को लो कर दें। 6-7 टेबल स्पून तेल पैन में डालें। जब तेल गरम हो जाए तो 1 चम्मच जीरा डालें। दालचीनी का टुकड़ा डालें, 2 इलायची भी डाल दें और 1 बड़ी इलायची डालें, 2 तेज पत्ते डालें, 2 लौंग भी ऐड कर दें, 8 से 10 काली मिर्च डालें। अब मैं कटी प्याज डालूंगी। प्याज गोल्डन होने तक भूनें। अब प्याज हल्की गोल्डन हो चुकी है। कटा हुआ टमाटर डालेंगे। जब तक टमाटर अच्छी तरह से गल ना जाए, उसको अच्छी तरह चलाते रहें। टमाटर हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। वन टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर,
1 टीस्पून नमक डालें। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे। मसाले को अच्छी तरह से चला लें। मसाला हो चुका है, तेल ऊपर आ गया है। अब इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल दें। एक दो मिनट तक मसाले को पकाएं। चार से पांच कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अब मिक्स करेंगे। कटोरी वाले अंडे जो हमने बॉईल किए थे मसाले के अंदर एक एक करके डालेंगे। अंडे को लो फ्लेम पर करके 5 मिनट के लिए ढक दें। 5 मिनट हो गया है, स्टू हमारा तैयार हो चुका है। गार्निश करने के लिए कटी हुई हरी धनिया डालेंगे। घर में प्लीज़ मेरी रेसिपी को ट्राई करें, मुझे कमेंट्स करके बताएं मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। स्टू को रोटी या पराठे के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली रेसिपी में। बाय बाय।